नमस्कार, कुसुम डॉट किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं गुजरात की बहुत ही फेमस डिश खमन ढोकला। तो चलिए देखते हैं खमन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 250 ग्राम बेसन, 1 टेबल स्पून शक्कर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून साइट्रिक एसिड यानी टार्टरी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून बारीक कटा धनिया गार्निशिंग के लिए, 1 टेबल स्पून राई तड़के के लिए, 1 टीस्पून साइट्रिक एसिड तड़के के लिए, 2 टेबल स्पून शक्कर तड़के के लिए, 10 से 12 कड़ी पत्ता तड़के में डालने के लिए, 4 से 5 हरी मिर्च सर्व करने के लिए। तो चलिए खमन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसन को थोड़े बड़े बाउल में डाल लेंगे, शक्कर डालेंगे, आधा टीस्पून नमक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालिए, हल्दी पाउडर डालेंगे, टाटरी डालेंगे। अब सबको अच्छे से पानी से घोल लेंगे, इसमें पानी डाल लिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन में सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिए। अब पहले हम थाली को ग्रीस कर लेंगे। अभी हमने बेसन में सारे मसाले डाले हैं, अब इसमें हम तेल डालेंगे थोड़ा। पैन हमने रख दिया था गैस पे, गर्म हो चुका है। इसको हम थाली में डालने से पहले इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे, 15-20 सेकंड के लिए ज़ोर से इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए पूरी तरह से फूल चुका है, जस्ट डबल हो गया, एकदम लाइट वेट महसूस कर रहे हैं। इसको थाली में डालेंगे। पैन गर्म हो चुका है, पैन में हमने नीचे पानी डाला था, पानी अच्छे से उबल गया है। अब इसके ऊपर हम ये थाली रख देंगे। अब इसको हम 5 मिनट तेज आंच पे रखेंगे, फिर थोड़ा धीमे कर देंगे। करीब 15 मिनट लगेंगे खमन बनने में। 15 मिनट हो चुके हैं, खमन को देखते हैं, खमन पक चुका है। हम चाकू से इसको चेक करेंगे खमन पका है कि नहीं पका है। देखिए नाइफ के बिल्कुल नहीं चिपका है, इसका मतलब हमारा खमन पक चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, उतनी देर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दिए, कढ़ाई में तेल डालेंगे। करीब 3 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, तेल गर्म हो गया है। पहले हम मिर्च को तल लेंगे। हरी मिर्च को बाउल में निकाल कर इसमें नमक डाल देंगे, राई डालेंगे। राई फूटने लगी है, अब इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालकर इसमें साइट्रिक एसिड और चीनी डालेंगे। चीनी और साइट्रिक एसिड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब गैस को बंद कर देंगे। पानी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें खमन में कट लगा देंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनाए। मिर्च में भी थोड़ा नमक मिक्स कर देंगे। खमन भी थोड़ा ठंडा हो गया, पानी भी ठंडा हो गया, अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें खट्टा मीठा आप टेस्ट करके डालें अपने स्वाद के अनुसार। पानी डालकर हम 10 मिनट रखेंगे, इस पर थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर देते, फिर हम सर्व करेंगे। खमन ठंडा हो गया, सर्व करते हैं। खमन हमने सर्व कर दिया है। आप भी अपनी किचन में इसी तरह से बनाइए, खाइए और खिलाइए। और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नए स्वाद के साथ। धन्यवाद।